नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में ये वॉशिंग मशीन का स्पिन टाइमर है, एक इस टाइप का होता है एक इस टाइप का होता है, इन दोनों को मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई एक खोल के मैं आपको अंदर का फंक्शन दिखाता हूँ। अंदर का फंक्शन सेम होता है, इसमें ऊपर यहाँ ये स्प्रिंग लगा हुआ है, पत्ती है, ये स्प्रिंग की तरह काम करती है, और इसमें जो स्प्रिंग लगा होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो मैं इसमें एक खोल के आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर का सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इसके ऊपर ये तीन स्क्रू लगे होते हैं, इनको मैं एक बार खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये तीनों स्क्रू मैंने खोल लिए हैं। अब ऊपर से इसका ये कांच वाला है, ये उठा लेना ऊपर से। ये इस तरह का होता है, ये मैंने निकाल लिया। इस तरफ दो तार लगे हुए हैं, इनको निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ बारी बारी कैसे ये होता है। इसमें जो स्प्रिंग लगा होता है ये नीचे, सबसे नीचे लगा होता है, यहाँ पे जो स्पिन टाइमर में इसमें ये ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें ये सबसे नीचे दिया हुआ है। यहाँ ये मैन ग्रारी है इसकी, और मैन ग्रारी जब भी इसको अपने ये रोटेट कराते हैं तो ये पत्ती नुमा जो ये स्प्रिंग है ये टाइट हो जाता है, और ये वापस आने की कोशिश करता है, स्प्रिंग की तरह ही काम करता है। जैसे स्प्रिंग एक बार खींचते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे आता है, वैसे ही अपनी पोजीशन पे आएगा तो इस गरारी को वापस घुमाएगा। इसमें ये चार पिन्ने दी होती है, एक ये फर्स्ट, फिर ये दूसरी, सेकंड ये थर्ड, और ये फोर्थ। जो दूसरी वाली है सेकंड पिन है, इस सेकंड पिन में ये वाली गरारी ऊपर की तरफ छोटे वाले टीथ रखने हैं इसके, ये जो टीथ ऊपर के, ये सेकंड नंबर में लग गई। फर्स्ट नंबर में तो मैं दिखाता हूं आपको, फर्स्ट नंबर में ये गरारी होती है, और इसके अंदर एक ये लॉक लगा होता है, ये लॉक होता है, इसके इस साइड में टीथ होते हैं यहाँ पे। ये टीथ खराब होने के कारण ही अपने स्विच को जैसे ही यूं ऑन करेंगे ये फटाक से पीछे भी आ जाता है, यूं ही करते हैं वापिस ये पीछे आ जाता है। तो ये लॉक क्या करता है, इसको वापस नहीं आने देता, और ये टीथ खराब होने के कारण ये फटाक से वापस आ जाता है, या लॉक टूटने के बाद ये फटाक से वापस नहीं आ जाता है। मैं जैसे इसको घुमाऊंगा यूं घुमाऊंगा तो ये देखो घूम रहा है, और उल्टी साइड जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो ये लॉक इसके साथ में घूमना चालू हो जाएगा। ये इस तरह काम करता है। ये छोटी गरारी नीचे की तरफ रखनी है, ये मैन गरारी के साथ टच होती है, इसको इसमें लगाना होता है। फर्स्ट वाली पिन, जो फर्स्ट वाली पिन है इसमें ये लग जाती है, और ये इस ये मैन गरारी इस गरारी को घुमाएगी, ये इस छोटे वाली गरारी घुमाएगी। लास्ट में एक पत्ती लगी होती है, इसमें जो ये खांचा बना हुआ है इधर, ये खांचा इस तरफ रखना है, और लास्ट वाली पिन में लगा देना है। लास्ट जो पिन होती है, लास्ट वाली इस पिन में इसको, इस लास्ट वाली पिन में इसको लगा देना होता है। और इसके बाद ये गरारी है, इसके जो छोटे वाले टीथ हैं ये नीचे की तरफ रखना है, ऐसे लगेगी ये स्पीड को कंट्रोल करती है। जैसे ही अपने स्विच ऑन करते हैं तो ये स्विच को धीरे धीरे पीछे जाने देती है, ये ऐसे लग जाती है इसमें। जैसे इसको घुमाते हैं ये ऐसे 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 रहती है, ऐसे ऐसे ये चलती रहती है। ये इसका सिस्टम होता है। यहाँ एक ऐसा छोटा लॉक है, ऐसा ये इसमें लगता है इस प्रकार, और ये जो अपना स्विच है मैं दिखा रहा हूं, ये
ओ पोजीशन में आ जाना चाहिए, ये ओ पोजीशन में है उस टाइम, इसके ऊपर ये एक खड्डा है, ये खड्डे वाले इसके नीचे साइड ये है, इसमें जो अपना ये लॉक लगाया है ये आ जाएगा, और खड्डा इस तरफ रखना है अपने को, ये ऐसे लगाना है इस तरह, ये फिट हो जाएगी। और इसके साथ लास्ट में ये जो पत्ती लगी हुई है, इसमें एक नोक सी बनी हुई है, ये इसमें यहाँ है, लास्ट में यहाँ लग जाती है, ये ओ पोजीशन में है, अब ये इसी खड्डे के अंदर है, और लास्ट में आपको ये पत्ती जो आपने निकाली थी, ये पत्ती एक पिन आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, ये पिन जो है बड़े वाली इसके साथ लग जाएगी यूँ, और इधर दो छेद दिए हैं इसके अंदर, ये फिट हो जाएगी। ऐसे ये फिट हो जाती है, जैसे ये अपने नीचे स्विच को ऑन करेंगे तो ये खड्डे से ये जो नोक है ये इसके ऊपर आ जाएगी यहाँ पे, जैसे मैं अब ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैं ऑन करूँगा अब ये ऊपर की साइड आ गई और ये चलने लग गई, यहाँ पे आके ये दोनों पत्ती टच हो जाती है, जैसे ये घूमती घूमती ऐसे ऐसे करती करती इस खड्डे में आएगी, ये दोनों पत्ती यहाँ से दूर हो जाएगी, और कनेक्शन जो एक एक में करंट आ रहा है और एक से जा रहा है वो कनेक्शन कट हो जाएगा, और अपनी स्पिन जो है वो बंद हो जाएगी, ये इस प्रकार काम करता रहता है। और इसके ऊपर वापस यूं एक खांचा बना हुआ है, और इसमें भी एक खांचा है, ये खांचा मिलान करके वापस आपको इसके अंदर लगा देना है। ये सारा फिट कर लेना, और फिर इसमें वो तीन स्क्रू वापस आपको लगा देने हैं इसके ऊपर, और इसको वापस फिट कर देना है। ज़्यादातर इसमें गरारी जो लोक वाली गरारी है वो ही खराब होती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।